बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं शाहिदा राय, मैं राय ड्रेसेस वर्कशॉप में आपको वेलकम करती हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सूट का रिव्यू दे रही हूं। ये एक प्लेन सूट है और इसमें दो कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि येलो गोल्ड और डार्क ग्रीन। इसका दुपट्टा शलवार से अटैच किया गया है क्योंकि शलवार भी इसकी ये बॉटल ग्रीन कलर की ही है। ये देखिए, इस दुपट्टे के फोर साइडेड गोटा पट्टी की लैस इस्तेमाल की गई है। इस शर्ट की नेक ऊपर से हाफ राउंड है और हाफ स्क्वेयर है, यानी ये राउंड एंड स्क्वेयर मिक्स कलर है। इसकी स्लीव्स के ऊपर ये सिंपल स्ट्रेट स्लीव्स है और इसके ऊपर कटवर्क की बस ये एक पट्टी लगाई गई है। इसमें ब्लॉक प्रिंट कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस शर्ट का हाफ पैनल, यानी कि ये जो हाफ पैनल है, ये ब्लॉक प्रिंट कपड़े से रेडी किया गया है। पहले इसके हाफ शर्ट के ऊपर ये पट्टियां लगाई गई हैं, ये सब पट्टियां। इसके ऊपर हमने बाद में ये लगाया है ब्लॉक प्रिंट का कपड़ा। उससे क्या हुआ है कि इसके तमाम धागे और जो चीज़ें थी वो उसके नीचे आ चुकी हैं और इसकी फिनिशिंग आ गई है बहुत ज़्यादा। इसी वजह से देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। अगर मैं इसके दामन और चौक्स की बात करूं तो उसके ऊपर भी ये इसी प्रिंटेड कपड़े की पट्टियां लगाकर तुरपाई की गई है, ऊपर भी और घेरे पर भी। इसके अंदर ही हमने शमो सिल्क का प्रिंटेड कपड़ा है जिसकी लुप तैयार करके ये यू शेप्स लगाई गई हैं। ये देखिए, ये बहुत टाइट बनी हुई है ना, इसी वजह से ये अपनी शेप में एज इट इज़ खड़ी हैं। ये धुलने के बाद भी इंशाल्लाह अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगी। इसकी शलवार डार्क ग्रीन कलर की है, यानी बॉटल ग्रीन। इसके पैंचों पर भी कटवर्क है, ऊपर छोटी छोटी सी लेस का इस्तेमाल किया गया है। आप ट्राउजर भी बना सकती हैं और शलवार भी बना सकती हैं, लेकिन आजकल शलवारें ज्यादा इन है फैशन में। मेरी वो तमाम व्यूअर्स जो अभी न्यू बिगिनर्स हैं और जो काम स्टिचिंग का सीखना चाहती हैं, वो मेरे तमाम प्रीवियस वीडियोस को देखें और उससे सीखें। इंशाल्लाह उसको उन सबको उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने तमाम वीडियोस में सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया है, यानी पेपर वर्क से लेकर कटिंग एंड कटिंग से स्टिचिंग। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, और मैं डेली अपनी वीडियोस में न्यू डिज़ाइंस ऐड करती हूँ ताकि आप लोग अप टू डेट रह सकें कि कौन से डिज़ाइंस फैशन में इन हैं और कौन से कंफर्टेबल हैं और कौन से नहीं। हमेशा उस लिबास का इंतखाब करना चाहिए जिसको कैरी करना आसान हो और जिसको पहनकर आप ज़्यादा खूबसूरत भी लगें और जो आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हो। और मैं वक्तन फवक्तन अपनी स्टूडेंट्स का वर्क भी आपके साथ शेयर करती हूँ उनकी हौसला अफजाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टीट्यूट में मोर देन 35-40 इस एज में स्टूडेंट्स होती हैं हर सेमेस्टर में। मकसद आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करना है और आपकी स्किल को बढ़ाना है। ये लो बजट सूट है और लो बजट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा मेरे पास पॉपुलर है, इसकी डिमांड ज्यादा है। और कैरी करने में बहुत ज्यादा इजी है, कंफर्टेबल है
आप इसको डेली यूज में इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वॉश के बाद ख़राब हो सके। ये इजी टू वॉश भी है, यानी इसको अगर आप हाथ से ना भी धोना चाहें तो आप इसको मशीन में भी कुछ देर चला के निकाल सकती हैं। आयरन करने में भी बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि अक्सर सूट जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हुए होते हैं उन्हें आयरन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इस सूट के बारे में किसी किस्म की किसी डिफ़िकल्टी के बारे में कुछ भी पूछना चाहती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपकी डिफ़िकल्टी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सूट कैसा लगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी मुश्किलों को आसान करे और हमें लोगों में खुशियां बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हु आमीन। अल्लाह हाफिज़।